थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 3 वर्ष में 690 और 5 वर्ष में 750 हो जाता है, तो वह धन बनेगा कि नहीं? पढ़ाए हैं, बताइए क्या होगा, जल्दी से तेज बताइएगा, फास्ट जल्दी बताइए, पहला का आंसर क्या होगा? पढ़ाया हुआ है, ये सिंपल इंटरेस्ट का है और हम सीआई पर पहुंच चुके हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट तुरंत बनना चाहिए। 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 वर्ष में 690 और 5 वर्ष में 750, 500 होगा। अच्छा कैट का बढ़ा 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितना बढ़ा? 60 रुपया बढ़ा। 1 वर्ष में, 1 वर्ष में 30, तो 3 वर्ष में 90 का क्या हुआ? 90 रुपया हुआ ब्याज। और मेरा ये क्या दिया 690? मिश्र धन अमाउंट, तो मूलधन क्या होगा? घटा देंगे, 690 में 90 घटाएंगे, कितना होगा? 600। ये पढ़ाए थे कि नहीं? पहला क्वेश्चन यही था, देखिए 600 हो जाएगा, है ना? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपका, आप ही का सेट का क्वेश्चन है जो आप पढ़ते हैं बुक, ये पढ़ाए थे, उतार रहे हैं क्या? तो रटवाई ये दिए, बना दिए होंगे। अच्छा दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितना गुना होगा? जरा बताइए, बताइए, 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 8 वर्ष में क्या होगा, कितना होगा? 16 वर्ष में 2 गुना तो कितना ब्याज? एक कम ब्याज होता है कि नहीं? तो 16, सुनिए पहले, 16 वर्ष में 2 गुना मतलब 1 ब्याज, अब कह रहा 8 वर्ष में, तो वर्ष आधान हो गया, तो ब्याजों में आधा हो जाएगा, आधा ब्याज नहीं हो जाएगा, आधा ब्याज हो जाएगा, इसका मतलब 1.5 गुना हो गया। और क्या, जब 1 ब्याज है तो 2 गुना है, 2 ब्याज है तो 3 गुना है, एक अधिक है कि नहीं? तो आधा ब्याज है, आधा में 1 बढ़ाएंगे तो 1.5 गुना होगा। वकील देखिए, 16 वर्ष में 1 ब्याज, 8 वर्ष में आधा ब्याज, न होगा आधा ब्याज, तो 1 ब्याज कब हुआ? जब क्या गुना था? ये 2 गुना था, तो 2 गुना, 1 कम ब्याज हो रहा है, तो ये आधा ब्याज हो रहा है, तो 1.5 गुना होगा, तब ना 1 कम ब्याज होगा आधा, जैसे 1.5 गुना में आधा का 1 कम करेंगे तो आधा ब्याज हुआ कि नहीं हुआ? मतलब 1 जोड़ देना, याद रखिए, क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, भाग रहे चार्ज नहीं किया, ठीक है, ऑन किए ना से, पता नहीं चार्ज लगता नहीं, ठीक है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा चार्ज नहीं है क्या? इसका चार्ज नहीं, आवाज नहीं जा रहा, इसमें 2 गुना हो जाता है, 1 ब्याज होगा कि नहीं? तो अगर हमको बोलता कि 32 गुना में कितना ब्याज होता, तो 2 ब्याज होता, तो 8 वर्ष में कर रहा है, तो आधे वर्ष है, तो ब्याज भी आधा होगा, तो ब्याज आधा होगा, तो जहां हो रहा था 1 ब्याज 8 16 वर्ष में, तो 8 वर्ष है, आधा है, तो आधा ब्याज होगा, आधा ब्याज का मतलब क्या गुना? 1.5 गुना। अच्छा हम बोलेंगे 2.5 गुना हो जाता है, कितना ब्याज होगा? 1.5 ब्याज होगा। 3 गुना में कितना ब्याज? 2 ब्याज। 4 गुना में 3 ब्याज। तो जब 3 ब्याज कैसे आया? अगर 3 ब्याज तो क्या गुना? 4 गुना। 2 ब्याज तो 3 गुना। 1 ब्याज तो 2 गुना। आधा ब्याज तो 1.5 गुना। बस अब कैसे रटाए? मैं वो क्लियर। देखिए ये क्वेश्चन 3 नंबर, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में धन से 5 गुना हो जाएगा? जल्दी बताइए क्या होगा? आप ही के सेट का सब क्वेश्चन हम पहले पढ़ा देते हैं, फिर सेट का फोटो भेजते हैं, बताइए क्या होगा? 20 वर्ष में क्या गुना है? 20 वर्ष में 3 गुना, तो कितना ब्याज? 2 ब्याज। अब कितना गुना कर रहा है? 5 गुना, तो कितना ब्याज? 4 ब्याज। 2 ब्याज 20 साल में, तो 4 ब्याज 20 दुनी 40 वर्ष में,
क्या वर्ष होगा? नन ऑफ दिस 40 वर्ष। ओ सॉरी सॉरी मिस्टेक कर दिए, नहीं नहीं ठीक ठीक रुकिए, ये साधारण यहाँ लिख दिया साधारण ब्याज पढ़े नहीं थे, क्या दिया देखिए, किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज दिया तीन तीन गुना, साधारण ब्याज तीन गुना मतलब तीन ब्याज या 300 जोड़ लिए, तो 20 वर्ष में कितना ब्याज है? तीन गुना मतलब तीन ब्याज या 300 ब्याज भी बोल सकते हैं। अगर 300 ब्याज देंगे तो भाग देंगे 20 से, कितना परसेंट होगा? 15% नहीं निकल गया 15%? बोले थे ना जितना गुना उतना ब्याज होता है। अब कह रहा है क्या कि कितने वर्षों में धन से पांच, तो कितने वर्षों में धन से पांच गुना हो जाएगा? पांच गुना का मतलब कितना ब्याज? चार, तो 400 बटे क्या 15, पांच या 15 पांच अठी 40, 80 बटे 3 क्या होगा? तो कितने वर्ष में धन से पांच, साधारण ब्याज पांच गुना होगा, तो 500 बटे 5 या 15 कितना होगा? 100, 100 बटे 3 क्या होगा? 33.3%। ठीक है, देखिए आपको साफ से बता रहे हैं, आपको उतारिए के बाद में देखिए फिर से कह रहा है किसी, फिर ध्यान से सुनना है, उतारना नहीं समझना है, ध्यान से लैंग्वेज का पकड़ है, कहीं धन लिखा है कहीं ब्याज लिखा है, बस इतना सा पकड़िएगा आंसर आ जाएगा। देखिए किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज क्या दे दिया? यहाँ पर साधारण ब्याज दे दिया है, और इसमें कहीं साधारण ब्याज लिखा है? डायरेक्ट लिखा है हो जाता है, नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर मिश्र धन है, और यहाँ पर ब्याज क्लियर कर दिया है कि साधारण ब्याज, समझ गए? यहाँ पर क्लियर किया कहीं नहीं किया, इसका मतलब मिश्र धन है, यहाँ पर ब्याज क्लियर कर दिया, तो 20 वर्ष में तीन गुना हो जाता, क्या हो जाता है तीन गुना ब्याज? तो हम पहला तरीका बताया है कि 20 वर्ष में तीन गुना, 20 वर्ष में आपका हो रहा है कितना ब्याज? तीन ब्याज, यही हो रहा है। तो कह रहा है कितने वर्षों में यह पांच गुना होगा? पांच गुना तो पांच ब्याज खत्म होगा, तो एक ब्याज कितना वर्ष में होगा? एक ब्याज होगा 20 बटे 3 वर्ष में, ना होगा तो पांच ब्याज खत्म होगा, 20 बटे 3 गुना 100 बटे 3 वर्ष में, 33.1/3 वर्ष। दूसरा क्या तरीका बताए थे सुनिएगा ध्यान से, तीन करा तीन गुना हो जाएगा तो 300 ब्याज नहीं बोले थे, तो 300 ब्याज होगा क्या वर्ष में? 20 वर्ष में भाग देंगे, 15% आएगा कि नहीं आएगा? ये तो पढ़ा है ना कि तीन गुना चार गुना जो बताए थे, तो कह रहा है कि पांच गुना मतलब 500 ब्याज हो जाएगा, कितना ब्याज हो जाएगा? 500 बटे 15, 5 × 3 = 15, 5 × 100 = 3 आया। ये भी बना सकते हैं आप, दोनों तरीका में कोई अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान सिर्फ देना है कि कहीं साधारण ब्याज तो नहीं है। चार नंबर आप बनाएंगे, हम साधारण ब्याज खत्म कर दिए इसलिए इसको बनवा रहे हैं, चार नंबर बनाइएगा आप लोग तेजी से। कितना परसेंट होगा? वो क्लियर? पांच आया, कितना आया, कितना है इसका? देखिए चार नंबर, चार नंबर क्या दिया देखिए, किसी राशि को साधारण ब्याज से निवेश करने पर 10 वर्ष में तीन गुना हो जाता है, यहां लिखा है कि ब्याज हो जाता है, नहीं लिखा है, तीन गुना मतलब कितना ब्याज? 200, तो 200 बटे क्या 10, क्या परसेंट हुआ? 20%। अब इससे हल्का क्या होगा बोलिए, नहीं हल्का, कितना हल्का है? 3 × 200 ब्याज, क्योंकि यहां कहीं ब्याज साधारण ब्याज का चर्चा किया है। पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, किसी राशि को साधारण ब्याज से निवेश करते हैं
तो यह 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, मतलब अमाउंट हो जाना को क्या बोलते हैं, अमाउंट मिश्रधन। इसका मतलब कि 100 रुपया हो गया 300, तो 200 ब्याज हुआ, तो 200/10 20%। क्लियर है? ये सब हम लिखा लिखा आपको पढ़ा चुके हैं, दिक्कत नहीं हो। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, 5 नंबर, ये भी पढ़ा है। पांच नंबर, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का कितना, बोलिए 1/25। इसका मतलब अगर 25 मूलधन है, 1 क्या है ब्याज है, नहीं पढ़ा है? और क्या, तथा वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, आर प्रतिशत बराबर टी, पढ़ाए थे? नहीं बनेगा, बनाइए जल्द से, फास्ट बने तुरंत। जल्दी बनाइए, ऐसा ही बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए ब्याज बराबर मूलधन 25 है गुना समय आरे होगा, दर भी आरे होगा, बटे 25 × 4 इधर आ जाएगा, बराबर आर स्क्वायर। आर बराबर कितना आएगा, √4 का वैल्यू 2%। आया आया कि नहीं, बोलिए। हाँ कटा दिए 25 × 4, कोई दिक्कत किसी को है, बोलिए। नहीं ना, 6 नंबर देखिए फटाफट, देखिए हम जो पढ़ाए उससे बाहर एक भी क्वेश्चन है आप ही के सेट का क्वेश्चन, ऐसा नहीं हम छापे हैं, उतना मेरे पास टैलेंट है, थोड़े छाप देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या दिया है, पढ़िए। यदि 612 रुपये साधारण ब्याज से 4 वर्ष बाद 6132 था, 6951 रुपये हो जाता, दर कितना होगा, बनेगा? अच्छा मूलधन क्या दिया, बोलिए 6132, और ये क्या दिया है, मिश्रधन दिया है। ये मूलधन क्या दिया आपका, 6132, और अमाउंट कितना दिया मिश्रधन, 6951। तो कितना बढ़ा, जो बढ़ता है उसी को क्या बोलते हैं, ब्याज। कितना बढ़ा, 819, 11 × 2 = 9, 4 × 3 = 1 और 8, ठीक है 819 बढ़ा, यही हुआ क्या, ब्याज। और समय दिया है, क्या दिया है, समय दिया है 4 वर्ष। अब फॉर्मूला लगा देंगे, SI बराबर PRT/100, ठीक है, डाउन हो गया बैटरी की स्विच, समय गुना दर बटे 100। ठीक है, हो गया, क्लियर है कि नहीं, बना लीजिए कटाफट के। अरे बाप, देखिए 8, देखिए मेरी बात सुनिए, आपको हम विभाज्यता का नियम क्यों पढ़ा, इसीलिए ना, देखिए 8 × 1 = 9, 9 = 18, 18 3 से कटेगा कि नहीं, और 6 × 1 = 7, 3 × 10 = 12, 12 भी 3 से कटेगा, इसका मतलब 3 से दोनों कट जाएगा, तो 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9, 3 से कटाएंगे, 3 × 2 = 6, 0 = 13 है, 3 × 12 = 1, 3 × 12, समझ गए, 7 × 2 = 9, 3 = 12, फिर 3 से कटेगा, 4 × 8 = 10, नहीं कटेगा, 11 से कटा, 11 × 2 = 22, नहीं कटेगा, लगभग में कर रहा है, तो आपको क्या होगा, इसको इससे गुना कर, सीधा सीधी क्या होगा, आर गुना 273, आर सॉरी 273 पे क्या जीरो होगा, 2 जीरो, अब बटे क्या हो जाएगा, 244 × 4 = r, अब ये 4 से कट जाएगा, 00 है, तो देखिएगा पॉइंट लगभग में कर रहा है, एक बार भाग देंगे आंसर आ जाएगा, एक ही बार में ऐसे करके भाग देने आता है ना, इस तरह से दे दीजिएगा, एक ही बार लगभग में आएगा, देखते ना बहुत कम है, 2-3% के आसपास आएगा, जो भी आएगा नहीं होगा, 4 आएगा, 3 आएगा, बोलो 2-3% के आसपास जो है, ठीक है। देखिए तो हेलो, हाँ अरे क्लास में दोस्त, हाँ करें कि थोड़ा सा इधर में कुछ ज्यादा बिजी है, ठीक। हो गया, ये 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कि कोई धन साधारण ब्याज से, ये कल पढ़ाए थे क्या, देखिए तो 5 वर्ष में 2 गुना तो 300 रुपया, 24 गुना पढ़ाए थे,
क्वेश्चन पलट के देखिए, यही पढ़ा था, सेम ही लिखाए थे, सेम नहीं लिखाए थे, बोलिए। पांच वर्ष में क्या गुना है? दो गुना, तो कितना ब्याज? थोड़ा इनर्जेटिक होकर पढ़िएगा तब ना, एकदम ढील सिला दीजिए इसे लड़बर की तरह लिखते हैं, तब नहीं समझ आए। इनर्जेटिक रहना चाहिए, नहीं हो जानना तो लगना चाहिए हम सब जानिए रहे, बचा क्या है? अब कितना जान के भी लगेगा, कुछ नहीं जाना, क्या फायदा है? समझिए क्वेश्चन क्या करा, पहले क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ेंगे। कोई धन साधारण ब्याज से पांच वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो पांच वर्ष में क्या गुना? दो गुना, तो कितना ब्याज? एक ब्याज। कोई दिक्कत यहां तक? इतना दूर तो हमने तोता को रटवा दिया। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो कह रहा है 300 रुपया 2400 हो जाएगा, तो क्या गुना है? क्या गुना है? आठ गुना। कितना ब्याज? सात ब्याज हो गया, तो सात ब्याज कितना होगा? एक ब्याज पांच साल में, सात ब्याज एक से सात क्या बार में? सात बार में, इधरों सात से गुना करेंगे और क्या, तो सात पचे 35 वर्ष में। अब इससे हल्का क्या होगा बोलिए? कल भी बताए थे ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं आज बताएं। आपको जितना पढ़ाएं उसको तीन बार चार बार बनाइएगा ना, कुछ एक सेकंड नहीं लगेगा बनाने एग्जाम में, लगेगा कौन चीज इतना हल्का पूछता है। बेकार कैसे हुआ? आठ गुना यही पूरा है, अगर 2400 की जगह 2200 कर देंगे तब तो अच्छा हो जाएगा। 2400 जगह 2200 कर देंगे बनेगा, गड़बड़ा जाएगा ना, तब उसका काम नहीं है, ये बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए हम आपका साधारण ब्याज खत्म कर चुके थे, चक्रवृद्धि ब्याज आज खत्म करके कहानी खत्म भी कर सकते थे, लेकिन हमको पता है जब हम जाते हैं कभी कभी देखते हैं तो परसेंटेज गड़बड़ लिखा जाता है, इसलिए सोचते ना रिविजन जरूरी है कराना, ठीक है। और एक महीना के अंदर आपका पूरा खत्म हो जाएगा सिलेबस। कितने समय में 12%? देखिए अगला क्वेश्चन, ये सब बताना पड़ेगा। कितने समय में 12% वार्षिक दर से 2834 रुपया हो जाएगा? मूलधन कितना दिया? 2600। अच्छा देखिए एकदम पकड़ते हैं सवाल को, क्या करेंगे सवाल बनेंगे, कुछ कुछ निकाल लेंगे क्या क्या दिया है। तो 26 वर्तमान मूल्य का मतलब मूलधन, तुरंत लिख देंगे मूलधन का, जिसका मैथ बहुत कमजोर है, मूलधन लिख दीजिए 2600। इसमें लिखने में कोई दिक्कत? इस ज्यादा है कि कम है? इसका मतलब ये मिसधन होगा, तो मिसधन कितना है? 2800। बढ़ा कि घटा? कितने बढ़ा? 234% बढ़ा। ये क्या बढ़ा? बोले हैं कि एक्स्ट्रा जो भी बढ़ता उसको क्या बोलते हैं? ब्याज। अब आपको रेटो दिए, दिया आर बराबर दिया 12%, अब तो एक के को फॉर्मूला लगाना आपको, क्या एस आई बराबर पी आर टी बाय 100। बस एस आई कितना दिया बोलिए? 234। मूलधन कितना दिया है? 2600। दर कितना दिया है? 12 गुना t/100। अब इसको 0 0 कट गया, 12 से इसको कटाइएगा, 12 26 से। देखिए जिसको कटाने में भारी लगता है उसको समझा रहे हैं, 2 से कटाने आता है ना, 2 से कटाइए, 13 दूनी 2 से 2 एक बचा 2 3 14। देखिए 117 दूनी 234, 17 13 से क्या हो रहा है? 17 13 9 17 से, तो 13 9। आज जो हिंदी मीडियम से पढ़ा है उसके लिए तो और बढ़िया रहता है कि तुरंत 13 9 17 से, 13 13 1 9 7 करते हैं तो कर जाए। टी बराबर क्या आएगा? 9/12। तो 9/12 को कटा देंगे, 3 3 9 3 4 3/4 वर्ष आया, महीना में चेंज करेंगे मंथ में, तो 12 से गुना करेंगे, 4 3 12 3 3 क्या माह हुआ? 9 माह हुआ। कोई दिक्कत है बताइए? फॉर्मूले बैठा दिए ना, सब कुछ निकाल लेंगे क्या क्या दिया है, लिख देंगे बस आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को बोलिए। चलिए इसको बनाइए 9 नंबर आप लोग फटाफट, 9 नंबर बनाइए और एक बार फिर से इसको बनाइए पीडीएफ को बिना देखे, सबके मोबाइल में चला ही गया होगा, ठीक है, बिना देखे तब अच्छा हो जाएगा आपका। 9 नंबर बनाइए, जल्दी से बनाइए 9 नंबर और 10 नंबर, दो को फास्ट बनाइए आप लोग।
पांच वर्ष में 520, सात वर्ष में 568, क्या दिया है बताइए? मिश्र धन दिया है, बहुत बढ़िया। क्यों दिया मिश्र धन? क्योंकि हो जाता है या हो जाएगी लिखा है, क्लियर है? तो आपका पांच वर्ष में कितना दिया है बोलिए? पांच वर्ष में 520 और सात वर्ष में 568, क्या टका बढ़ा? 48%। क्या साल में? तो एक साल में कितना बढ़ेगा? 24%, 12% ना, 24% बढ़ेगा, ठीक है? तो पांच साल में कितना बढ़ेगा? 24 × 5 बोलिए, 24 × 5 120, ये ब्याज हो गया। तो 520 था, 120 ब्याज हुआ, तो 400 ना मूलधन हुआ आपका, हुआ क्लियर? हो गया, देख लीजिए ठीक से। मोबाइल में सब क्वेश्चन रखिए, क्योंकि उतना दूर से हमको भी दिखाई नहीं देने लगा। ठीक है, हो गया क्लियर? समझ में आया सबको कि नहीं आया? एक बार और समझाते हैं, सुनिए। करे पांच वर्ष में 520 और सात वर्ष में 768 हो जाती है का मतलब मिश्र धन, और साधारण ब्याज का स्वभाव है कि हर साल बराबर लगता है, तो दो साल में कितना लगा? 48, तो एक साल में 24, तो यहाँ क्या साल का दिया है? पांच साल का दिया है, तो 24 × 5 कितना होगा? 120, 120 घटा देंगे, किस में घटा देंगे? 520 में। आप कहिएगा नहीं, हम 7 साल में बनाएंगे, तो क्या करेंगे? 24 × 7, 24 × 7 168, 168 घटाइएगा तो भी 400 आएगा। आप 5 में रखिए या 7 में, कोई फर्क नहीं पड़ता, हल्का वाला काम करेंगे। आपको कहेगा 5 किलो से लेके 20 किलो तक लेके दौड़ना है, तो क्या किलो लेके दौड़ेंगे? 5 किलो। ज्यादा इंप्रेशन बनाने के लिए कोई 20 किलो उठाएगा तो उन्हें करना है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया? मैंने रंजीत को, सुनिएगा ध्यान से, बड़ा कर देते हैं, ठीक है? दिख रहे हैं सबको? मैंने रंजीत को 500 रुपया उधार दिए, वह मेरे पास क्या मांबाद है बाद आया और सारे पैसे लौटा दिया, यदि वार्षिक दर छूट गया क्या? वह मेरे पास न कितने रुपये दिए मूलधन है? मैंने रंजीत को 500 रुपये उधार दिए, ठीक है, समझिए, और वह मेरे पास आया और सारे रुपये लौटा दिए का मतलब क्या समझे? क्या लौटाया हमको? 500 लौटा दिया? नहीं, हम उसको 500 दिए, अब बोले भाई 5% इंटरेस्ट लेंगे, तो हमको कुछ दिन के बाद आया, सारे पैसे लौटाने का मतलब क्या लौटाया? मूलधन प्लस ब्याज, क्या लौटाया? मिश्र धन। तो सारे पैसे लौटाया का मतलब क्या लौटाया? मेरे पास इतना मांबाद आया और सारे रुपये लौटा दिया, यदि वार्षिक ब्याज की दर 4 पर मुझे कितने रुपये दिए, मतलब क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है। यहाँ पर समय छूट गया आपका, अगर समय देखिए कैसे बनाएंगे, सुनिए, समय देगा ना इतना मांबाद, मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कि 4 माह बाद दे देते, अपने मन से, अपने मन से 4 दे रहे हैं, आंसर नहीं आएगा क्या है, कौन जानता है, याद नहीं हमको, जो भी माह होगा, देखिए 4 माह बाद मान लेते हैं, ठीक है, 4 माह बाद अगर मानते हैं तो मेरा ब्याज क्या होगा? एसआई बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय, क्या महीना है? 4 महीना, दर भी 4% बटे 100, लेकिन इसको 12 से भाग देंगे, क्यों दिए 12 से भाग? कि ये माह है, इसको वर्ष में चेंज करेंगे ना, अब जो ये ब्याज आएगा ना, जो भी आएगा उसको 500 में क्या करेंगे? जोड़ देंगे इसको, बस हो गया, यही लौटाएंगे। कितना लौटाया मतलब 500, तो पहली बात क्या है कि 500 से अधिक लौटाएगा कि कम? अधिक लौटाएगा, कम? अधिक वाला क्या ऑप्शन है, समझ गए? अब लेकिन नन ऑफ दिस देके हमको रोक दिया थोड़ा देर के लिए, नन ऑफ दिस देके नहीं रोक दिया है, लेकिन इतना चांस है कि हो सकता है अगर आपके पास 2-4-10 सेकंड बचा है तो आप तुरंत 510 मार के निकल जाइए, अगर किस्मत सही रहा तो हो जाएगा, अगर किस्मत खराब रहा तो, मेरे तरह किस्मत रहेगा तो नहीं होगा, आपके तरह किस्मत रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना? तो क्या होगा? 510 रुपया, ठीक है, समझ में आया? 510 होगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जब भी होगा तो 500 से अधिक ही देंगे,
कर्जो लेंगे और 500 से कमो देंगे, ये तो एक तो 500 का ही कर्जा दिया, 410 का लौटाएंगे, मुंह नहीं तोड़ देगा, 310 का ये लौटाएंगे, जब भी लौटाएंगे 500 से अधिक लौटाएंगे, और एक ही ऑप्शन दिया है, एक ननौत भी दिया है, इससे ब्याज निकाल लेंगे, समय तो देना होगा कुछ ना कुछ। अब ब्याज वाला फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, आज जो ब्याज आएगा 500 जोड़ देंगे वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर बताइए क्या होगा, 12 फटाफट बताइएगा, 12 13 बताइए तेजी से, 12 नंबर जल्दी से बताइए ना, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 15 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, फटाफट बताइए, तो 3 गुना होगा, देखते हैं क्या होगा, जल्दी बनाइए, 3 गुना में कितना ब्याज होगा बोलिए, 200 भाग दीजिए, 200 बटे क्या करेंगे, समय जो दिया उसी में भाग देंगे, क्वेश्चन का लिख रहे हैं छोड़ दिए, क्वेश्चन नहीं लिखे, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज 15 वर्ष में 3 गुना, 3 गुना होगा कितना ब्याज होगा बोलिए, एक कम ब्याज होता है तो 200 ब्याज होगा, तो 200 बटे 15 कर दीजिए, हो गया आंसर 200 बटे 15 डायरेक्ट, ठीक है। 3 गुना मतलब है 100 रुपया था, 300 हो गया, 200 बढ़ा वही ब्याज हुआ, ठीक है। कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्ष में क्या गुना होगा, आपको 1000 बार रटाए हैं, 3 गुना में कितना ब्याज, 2 ब्याज मतलब 200, 2 मतलब, अब वही क्वेश्चन यहां भी चिल्ला रहे हैं, वो एग्जाम में भी आएगा याद रखिएगा, उसके बाद भी आप नहीं लिख रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं बताइए, पंद्रह वर्ष में, अब देखिए क्यों 3 गुना 200 ब्याज हुआ, फिर बोलते हैं सुनिए, आपने 100 रुपया लगाया, हो गया बढ़ के 71, तो कितना बढ़ा 200, यही ना ब्याज हुआ आपका, जो बढ़ता है वही ना ब्याज होता है, तो 200 ब्याज हुआ, और हम 200 बटे क्या करेंगे 15, ट्रिक से बताए 200 बटे 15, 5 3 15 40 बटे 3, 13 पूर्णांक 1 बटे 3, ठीक है। 13 पूर्ण 3 कैसे आया समझ में आया, 40 बटे 3 को देखिए 3 से भाग दिए, 3 1 10 3 3 9 1 बटे 3 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, अभी भी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर बोलते हैं सुनिए ध्यान से, कोई धन साधारण ब्याज से वार्षिक दर से कितने वर्षों में 15 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना में कितना ब्याज, 2 मतलब 200, 200 बटे 15, क्लियर है। 13 नंबर देखिए जल्दी से बनाइए, 13 14, तो 13 बनाइए, 14 बताएंगे, 13 सब बनाइए तेजी से, देखेंगे फास्ट बनाइए, तुरंत बन जाएगा, सेकंड भी नहीं लगेगा, बनाइए जल्दी से 13 बनाइए, 13 क्या दिया है, 3 वर्ष में 560, 6 वर्ष में 620, बताइए 3 वर्ष में कितना बढ़ा, ये क्या लिख रहा है, लिखिए ना उसको देख के, देखिए क्या दिया एकदम देख के लिखिए, क्या लिखा है 3 वर्ष कितना ब्याज है 560 लिख दिया, फिर क्या दिया बोलिए, 6 वर्ष कितना है घटा देंगे कितना हुआ, 12 6 गया 60 रुपया हुआ, क्या साल में हुआ 3 वर्ष में, सॉरी 3 वर्ष ना, 3 वर्ष में कितना ब्याज हुआ 60% हुआ नहीं हुआ, ये क्या दिया आपका अमाउंट मिसधन दिया है, तो 560 में 60% ब्याज ये है घटा देंगे तो 560 का मूलधन हो गया, समझ गए, ये तो बता रहे तब से बना, हाँ 500 ठीक है, 60% बिल्कुल सही है, एक देखिए 3 वर्ष में कितना ब्याज हुआ 60, डायरेक्टे 60 घटाएं आंसर आ जाएगा, कितना आदमी 1 वर्ष निकाला होगा फिर 3 वर्ष निकाला होगा, है ना, जानिए रहे, अरे 3 वर्ष डायरेक्टे दिया तो क्या मतलब उसको 1 साल निकाल के फिर 3 साल में जाना, वो आदत हो जाता है करने का, ठीक है, नहीं हुआ, देखिए आप समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, 3 वर्ष में 560 और 6 वर्ष में 620, तो 3 वर्ष में देखिए
तीन वर्ष में 560 और छह वर्ष में दिख रहा नहीं ये, नहीं दिख रहा होगा, जुट्ठो हाँ कर देता है। तीन वर्ष में 560 और छह वर्ष में 620, इक्यट का बढ़ा 60%, क्या वर्ष में? तीन वर्ष। जो बढ़ा उसको क्या बोलते हैं? ब्याज। ये क्या दिया इस मिस्त्र धन? अमाउंट दिया है। अब बताइए आदमी क्या करेगा? एक वर्ष में 20, फिर तीन वर्ष में 60। अरे तीन साल में 60 दे ले है, ये तो क्लियर हो गया। तो 560 में क्या घटा देंगे? 60। कितना आया? 500। नहीं आ गया? नहीं घटा गया साधारण ब्याज। 14 नंबर देखिए, हम सीआई भी खत्म करेंगे तो एक बार 15-25 क्वेश्चन बनवा देंगे, ठीक है? कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 14 नंबर करा, 1600 रुपये की राशि दो वर्ष तीन माह में 252 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त करते, ब्याज की दर बताया, यही दिया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए अच्छा कितना ब्याज दिया है, ब्याज ब्याज यही दिया है। अब ब्याज वाला फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना समय। देखिए ब्याज दिया है 252, ये ब्याज है, ब्याज है, मूलधन कितना दिया है? 1600। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय की बात करते हैं, समय दिया है दो वर्ष तीन माह, इसको हम वर्ष में चेंज करेंगे ना। सबसे आसान तरीका क्या है? दो वर्ष में क्या महीना? 24 महीना। क्या महीना है? सुनिए ध्यान से, उतारते हैं ना इसलिए समझ में नहीं आता, भारी लगता है, सुनिएगा ज्यादा, सुनिए उतार के क्या कीजिएगा। क्या कह रहा है? दो वर्ष में क्या महीना? 24। और तीन महीना क्या महीना हुआ? तो 27 महीना डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत? गुणर आर बटे 100, लेकिन ये मंथ में इसको 12 भाग देंगे, वर्ष में चेंज हो गया, समझ में आया? काय के लिए पूर्णांक तोड़ेंगे, माथा दर्द होगा। एक वर्ष में 12 महीना, दो वर्ष में 24 महीना, ठीक है? और तीन महीना, 24 तीन कितना हुआ? 27 महीना। अब 12 भाग दिए, वर्ष में चेंज हो गया, अब सॉल्व कर लेंगे। आया समझ में सबको? ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट 12 क्यों भाग दिए बोलिए, क्यों भाई? क्योंकि ये मंथ में था, किसमें था? ये मंथ में था, 12 भाग देंगे तो वर्ष में चेंज हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, 4 से 4 3 12 4 4 16, 3 7 3 9 27, 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 1 बचा 12, 4 3 12, 9 7 63, आर बराबर 7%, ठीक है? कटाइए, अपने से कटाइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो कटाइए 9 7 3 6, कटाइए कटिए जी, हो गया। चौदह नंबर समझ में सबको आया? वर्ष तर्स को सबको महीना में बदल दिए, 12 भाग दिए, कहानी खत्म है। कल होता दिमाग लगाएंगे, ज्यादा दिक्कत होगा तो एक के सीधा सीधी कर देंगे, इतना कम समय में ज्यादा दिमाग भी लगाना ठीक बात नहीं। देखिए क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, दिख रहा है ये 15 नंबर? बोलिए। देखिए 15 नंबर क्या दिया, सुनिएगा ध्यान से। अमुक राशि, अमुक का मतलब कुछ राशि है, भाषा ने अमुक, 7 वर्ष में 70 रुपया ब्याज होता है, यदि ब्याज 2% अधिक होती तो कितनी अधिक ब्याज होता? देखिए यहाँ क्या दिया है, अरे 750 क्या दिया है? ब्याज।
क्या क्या नहीं दिया है, मूलधन और दर। तो दो चीज नहीं दिया है, मूलधनों ने दिया है, दिया मूलधन और दर भी नहीं दिया है, कभी बनेगा तो दूध नहीं निकलेगा। क्या कौन सा ज्ञात निर्धारित नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं कि दूध फिगर अननोन है, मूलधनों खाली दिया 7 वर्ष में 750 रुपये साधारण ब्याज अर्जित करती है, ना मूलधन दिया है ना दर दिया है, एक ही चीज हम निकाल सकते हैं, तो दो चीज कैसे निकालेंगे, तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, निर्धारित नहीं। याद रखिए जब दुद्धू फिगर, हाँ तब तो अलग है, तब तो रेट दे देता, अगर दुद्धू फिगर अननोन हो तब नहीं निकाल सकते, कैसे निकालिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है क्या, 16 नंबर आप लोग फास्ट बनाइए, तो 16 और 17 स्ट्रॉन्ग कर दे आप लोग का जितना है सब जल्दी बनाइए। 16 17 क्वेश्चन पढ़िएगा कि बनेगा। 5000 रुपया था, कितना हो गया 6200, कितना ब्याज हुआ 1200, बनाइए फटाक से ब्याज रूल समझ फास्ट बनाइए। क्वेश्चन पढ़िए, रुपया कितना हो जाएगा 6000, ये मूलधन है, ये क्या है तो कितना बढ़ा 1000, ये क्या हुआ 6200 था, 1200 क्या हुआ, अब ब्याज बराबर फॉर्मूला जानते हैं, मूलधन गुना समय कितना दिया है, समय ने दिया है, दर दिया है 6/100, जबरदस्ती ऊपर आ जाता है, 6 × 6 = 4 वर्ष आया था। अब ये दिक्कत हो रहा है सब में कि 5000 रुपया था, 6200 हो गया, 1200 ब्याज हुआ, और हम इसलिए एक ही क्वेश्चन इतना बार पढ़ाते हैं, आप लोग का प्रैक्टिस मैथ करना है हम देख लिए, ठीक है, नहीं तो इतना देर में तो हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है किसी को बोलिए, इसमें कोई दिक्कत अभी तक, 5000 क्या है, 5000 क्या है और 6200 क्या है, 1200 क्या है ब्याज, अब ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 17 बनाइए जल्दी, 17 बनाइए तो तेजी से, 17 बनाइए तेजी से, 16 था ना, 17 बनाइए। 8% दर से साधारण जो मूलधन का 2/2, मूलधन का 2/5 हो जाएगा, इसका मतलब क्या समझे, मूलधन का 2/5 का मतलब क्या समझे, अभी भी किसी को समझ ना आ रहा है, अरे नीचे वाला मूलधन साधारण ब्याज, ऊपर वाला ब्याज, और क्या दिया है, और रेटो दिए दिया 8%, नहीं बनेगा फॉर्मूला पे, आया ना, तो SI बराबर खाली रखना है, उतार लेना है, इसे रख देना है, अपने आंसर बन जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर 100, 5 से क्या बार में 20 बार में, ऐसे ऐसे नहीं काट देगा दूध है के 20। ठीक है, याद रखिएगा, 4 × 8 4×5 = 20, दूध कट गया, ये भाग उधर गया गुना में, तो T = 5 वर्ष, जैसे तैसे कटा देता कभी कभी। कितना होगा 5 वर्ष होगा, वो क्लियर। अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे तो ये चलेगा, 18 नंबर क्वेश्चन भी बताना पड़ेगा क्या, पढ़िए एक बार 18, देखिए लगेगा आंसर आ गया, खाली क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लीजिए ईमानदारी से। देखिए 2 गुना ब्याज लिखा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपना 2 गुना हो जाता है, मतलब मिश्रधन, अगर बोलता साधारण ब्याज हो जाता है तब ना होता, तो 2 गुना तो कितना ब्याज 100, एक मतलब 100/8 क्या 8 12.5 नहीं बना, 2 गुना तो कितना ब्याज 100, 100/8 4 × 8 4×25 = 2 12.5% हो गया। कितना होगा 19 नंबर क्वेश्चन बनाइए, 19 बनाइए जल्दी से,
21 क्वेश्चन था टोटल आपके सेट में, 21 बनवाइए दिया है। और एक बार अपने से घर में बना लीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। 21 बनाइए, सॉरी 19 बनाइए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से इतना हो जाती है का मतलब क्या हुआ? हो जाती है का मतलब मिश्र धन। इसका मतलब है कि 41/40 का मतलब क्या हुआ बोलिए? अगर ये 40 मूलधन है, 41 क्या है? ब्याज है। क्या है? ब्याज एक मूलधन मिश्रधन है, मिश्रधन है। हमको लगा ब्याज बोले ब्याज ही नहीं बोल दे सकते, तो क्या टका बढ़ा? 1% हुआ ब्याज, बन जाएगा। अब फॉर्मूला ब्याज बराबर बोलिए क्या होता है? मूलधन गुना समय कितना दिया है? 1/4 वर्ष समय दिया है। अब गुना दर 100, 0 कट गया, 4 कट गया, 8, 10 इधर आ गया। आर बराबर क्या आया? 10% आया आर। नहीं हुआ? कोई दिक्कत किसी को? बोलिए 41/40 हो जाती है, मतलब 40% था, 41 हो गया, मतलब मिश्रधन हुआ, 1% ब्याज हुआ। तो ब्याज बराबर मूलधन 40 है, समय है 1/4 वर्ष, और गुना दर 100, 4 कट गया, 10 कटा, 4 कटा, 10 भाग में इधर आया तो गुना में 10% हो गया। क्या बोले? बीस नंबर क्या हुआ? 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, बनेगा? बने तो 20 नंबर सब देखें जरा, जल्दी बनाइए 20 नंबर। क्या रुपया ब्याज देता है? 1120। समझ में कुछ आया कि नहीं आया बोलिए? नहीं समझ में आया, फिर सुनिए। मूलधन एक्स था, पहले 2 वर्ष के लिए, ध्यान सुनिएगा, पहले 2 वर्ष के लिए 4% बराबर मूलधन बराबर ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर 100। अगले 4 वर्ष के लिए 6%, तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर 100, 2 बार हो गया। अगले 6 वर्ष के लिए कहता है, लेकिन समय टोटल 9 साल दिया है, तो 2 साल और 4 साल क्या साल हुआ? बचा कितना साल? 3। तो अगले 3 वर्ष के लिए 8%, इस सबको बराबर कितना ब्याज है? 1120। समझ गए? अब देखिए सबको लघुत्तम कितना हुआ? 100, 4 × 2 = 8x प्लस 6×4 = 24x प्लस 8 × 3 = 24x बराबर 1120। 24 × 24 = 48, 8 कितना हुआ? 56x/100 बराबर 1120। 56 × 2 = 112, 20 हुआ, तो x बराबर क्या आएगा? 2000। उधर गुना हो गया, अरे भाग में था, उधर नहीं गुना बदला, तो कितना होगा? 2000 रुपया होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? एक बार और बोल देते, सुन लीजिए। किसी धन पर पहले थोड़ा बड़ा करके बोल, सेव कर दिए, आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। देखिए किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, तो 2 वर्ष के लिए 4% था तो बड़ा हो गया, तो एक्स गुना 2 × 4/100 प्लस अगले 4 वर्ष के लिए 6%, एक्स गुना मूलधन गुना समय गुना दर 100। अगले 6 वर्ष के लिए कहता है, लेकिन समय टोटल 9 वर्ष दिया है, तो 4 साल और 2 साल कितना हुआ? 6। क्या साल बचा? 3 साल। तो अगले 3 साल के लिए 8% बराबर इतना 1120। इसी को सॉल्व कर दे, ठीक है। साधारण ब्याज खत्म हो गया, ठीक है। अगले दिन चक्रवृद्धि ब्याज तो खत्म हो गया, थोड़ा सा पढ़ा है ना, उसको भी खत्म इस तरह कर देंगे, ठीक है। बना लीजिएगा, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा दोबारा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है।